हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ये सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो ब्लॉग है बेसिकली मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसी गाड़ियाँ आती हैं कस्टमर की, इनकी ब्रेक में प्रॉब्लम आ रही है। जो ये न्यूबॉर्न क्लासिक है जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, कि प्रॉब्लम ऐसी है कि मेरे पास आया तो इन्होंने बताया कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने कहा एक बार चेक कर लेता हूँ। जैसे मैं चेक करा तो प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने बोला कि मेरी ब्रेक ही नहीं लग रही। तो मैंने कहा था डिस्क पैड ना हो, पर जब मैंने डिस्क पैड देखो, उसके डिस्क पैड भी प्रॉपर है इसके, और ब्रेक कैसे नहीं लग रही मैं आपको बता देता हूँ। एक बार बाइक स्टार्ट करके इसका फर्स्ट गियर डाल लेते हैं, बाइक का फर्स्ट गियर डाल के ये देखो, अभी हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं पूरा दबा रहे हैं। एक बार दिखाता हूँ मैं, ब्रेक दबाई हुई है पर टायर नहीं रुक रहा। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कई बार हम वॉशिंग मशीन कराते हैं तो हम जो हाई प्रेशर यहाँ पे यूज़ करते थे, ये जो ये पार्ट होता है ये पूरा लूप रहता है, पर इसमें अगर एक वॉशिंग कराने से आपको धूल मिट्टी चलती जाती है तो ब्लॉक हो जाता है। जब ये अभी मैं वर्कशॉप में चल के इसको खोल के एक लूप करके प्रॉपर से फिर इसकी ब्रेक अप्लाई करके फिर आपको दिखाता हूँ। अभी जो ये ब्रेक पैडल है पूरा खोल लेंगे, खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है इस चीज़ में। जो प्रॉब्लम ये देखिए, ये सारा पूरा गंदा हो गया जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। अभी मैं इसे खोल के पूरा साफ करके प्रॉपर लूप करूँगा। को बता रहा था कितना गंदा हो गया अंदर, कि जो भी धूल मिट्टी होती है सारी अंदर चले जाती है इससे, जिससे जो ब्रेक में, क्योंकि आपको ये करना पड़ेगा हर सर्विस में, आपको एक खोल के प्रॉपर साफ करा के और लूप करना पड़ेगा, फिर आपकी बाइक में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए ये पैडल देखिए, पंप तो प्रॉपर वर्क कर रहा है, पंप वाला तो प्रॉपर, पंप का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये स्प्रिंग जो लगा हुआ है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये दोनों चीज़ें इनको साफ करके प्रॉपर लूप करके फिर हम ट्राई करेंगे बाइक की। आप इसे क्लीनर से भी क्लीन कर सकते हैं और पेट्रोल से भी, पेट्रोल से इसलिए कर रहा हूँ कि अगर प्रॉपर साफ हो जाए फिर हम इसको प्रॉपर लूप कर लेंगे। अभी हम लूप कर रहे हैं, हमारे रोलर ये मल्टीपर्पज ग्रीस होती है, वाटर प्रूफ ग्रीस है जो इसमें यूज़ कर रहे हैं हम। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ किसी से इन पे लूप लगेगा और जो पैडल का है उस पर लगेगा, ताकि पानी भी चला जाए और प्रॉब्लम ना आए। बट फिर भी हमें हर सर्विस में इसे खोल के प्रॉपर लूप करना पड़ेगा ताकि जो ब्रेक की प्रॉब्लम है वो ना आए। फिट कर लेते हैं इसको। ब्रेक तो हो गई एकदम से ठीक, फिलहाल मैंने देखा है जैसे कि इनका ब्रेक ऑयल भी कम है, तो कई बार ब्रेक नहीं लगती नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है कि कोई बबल बन जाते हैं जो हमारे ब्रेक के रहते हैं, उनमें बबल रहते हैं। अभी हम ब्लीड करेंगे, मैंने जो ब्रेक ऑयल है वो ले आया हूँ, अभी ब्लीड करके पूरा चेक करिए हमारे यहाँ से 1 2 3 4 कितनी होनी चाहिए बाइक में। अभी चलते हैं राइड पे, देखते हैं बाइक की कंडीशन और चेक करते हैं। प्रॉपर ब्रेक लग रही है अच्छे तरीके से, पैडल लेगा जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, अभी राइड में एक राइड करने आए थे हम बाहर, हमने गियर डाल दिया तो अभी कर रहे हैं अप्लाई, लगी ना ब्रेक। बट पहले में क्या हो रहा था
पहले जब मैं अप्लाई कर रहा था तो ब्रेक लग नहीं रही थी, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम आ रही थी। हर बार तो बंदा फ्रंट ब्रेक तो यूज़ नहीं कर सकता, बट उनको रेयर ब्रेक की प्रॉब्लम, अगर आपकी बाइक में रेयर व्हील की प्रॉब्लम है तो आप सेम ऐसा कर सकते हैं। बट उससे पहले आप डिस्क पैड चेक कर सकते हैं, ब्रेक ऑयल चेक कर सकते हैं, अगर आपकी ब्रेक मतलब पुश कर रही है अच्छे से मूव हो रही है, पर इसमें ज़्यादा कि जाम की तरह था, ब्रेक लगाने पर भी लग नहीं रहा था, फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ रहा था, जितना फोर्स चाहिए नहीं होता। अभी हमने इसकी फ्री प्ले है वो ठीक कर दी है, अभी चलते हैं वर्कशॉप में। होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।